आशीर्वाद यात्रा तो चली रही है बिहार के हर एक जिले में और आज यहाँ पर आया हूँ राजा शैलेश की पूजा में। यहाँ पर मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, तो उसमें सम्मिलित होने आज यहाँ पर आया हूँ। और बाकी बिहार में जहाँ जहाँ पर भी आशीर्वाद यात्रा जा रही है, मैं कोई बड़ा शब्द नहीं कह रहा, बट हकीकत में जो एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है और इस यात्रा में जिस तरीके से मुझे बुजुर्गों का, महिलाओं का और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, एक बात तय है कि आने वाले समय में जब मध्यावधि चुनाव होंगे उसके परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है तटबंधु का निर्माण। हर साल हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, आवंटित किया जाता है तटबंधु के निर्माण के लिए, पर उसका नतीजा पहली बरसात से पहले ही तटबंध टूटते हैं। क्यों उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती? क्यों इस बात की जांच नहीं होती कि भैया ये भ्रष्टाचार का पैसा जाता कहाँ है कि हर साल तटबंध टूटता है, कटाव होता है और पानी गाँव में और घर में घुसने लगता है? तो